हाय गाइस, सो आई एम बैक विद अनदर तमाशा रिव्यू वीडियो. आज की वीडियो है अबाउट द एपिसोड वेयर की बर्थडे थी एंड महनूर केम. आई थिंक इट वाज वेरी वेरी क्यूट एंड इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट. एंड महनूर केम टू माय हाउस आफ्टर दैट. हमने तमाशा का जो एपिसोड था वो साथ बैठ के देखा. एब्सोल्युटली लव्ड हाउ द डे स्टार्टेड. उसके बाद उन्होंने अरसलान का बिट दिखाया वेयर ही वाज क्राइंग. ओ माय गॉड, आई क्राइड विद हिम. मैं भी रोई, ऑब्वियसली मैं रोऊंगी. इट्स टू हार्ड. खैर वो रोया. उसके बाद मुझे सबके फ़ोन आना शुरू हो गए, कॉल्स आना शुरू हो गए कि कब जाओगी कब जाओगी. इज़ अ वीक वेयर एवरी फैमिली मेम्बर कम्स एंड दे गेट टू सी देयर लव्ड वंस फॉर लाइक अ लॉन्गर टाइम. लेट्स होप इफ ही स्टेज इनसाइड टिल द टाइम आई कैन गो एंड सी हिम, सो वाई नॉट. दे हैड दिस टास्क जहाँ पे उन लोगों को राशन कमाना था. और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ब्रूटल हो गया है. मतलब बेसिक से भी आपने उनको डिप्राइव कर दिया है. खाना भी नहीं खा पा रहे, चाय भी नहीं पी पा रहे. आपके अपने घर में यू लूज़ योर टेम्पर, यू लूज़ योर हेयर एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग टू देम एज़ वेल. लाइक मैंने अनकट में देखा था कि अरसलान को हेयर विटामिंस की और इन चीज़ों की ज़रूरत है बिकॉज उसके हेयर फॉल शुरू हो गया है. बट अगेन ऑल ऑफ दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम. सो दे आर जस्ट मेकिंग देयर मेकिंग थ्रू ईच डे एज इट गोज. एवरीबडी सेटल डाउन. और अरसलान वॉज आस्किंग साइमा के आप ऐसी ही हैं शुरू से ही यहाँ पर ऐसी हैं. आई थिंक दैट वॉज रियली क्यूट क्योंकि अरसलान भी अपनी मासूमियत में ही पूछ रहे थे कि आप ऐसी ही हैं. तो वो कह रही है नहीं मैं थोड़ी कैरेक्टर में हूँ यहाँ पर. और यहाँ पर लोग अब जाहिर सी बात है आई नो दैट यू आर बींग टेस्टेड. आपकी भूख प्यास हर चीज़ से आपको टेस्ट किया जा रहा है. फिर कैमराज आपके ऊपर लगाए हुए हैं तो आई एम श्योर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ दैम. बस फिर वो एपिसोड ख़त्म हो गया. और वो ख़त्म होने के साथ साथ मेरी अनकट की तलाश शुरू हो गई जहाँ पर मैं देखती रहती हूँ इफ़ आई कैन फाइंड समथिंग रिलेटेड टू अरसलान. वो क्या कह रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं. हाँ मैं वो टीन एज ऑब्सेसिव वाइफ बन चुकी हूँ जब से वो इस शो के अंदर गए हैं. तो दैट वॉज अबाउट इट. नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर एपिसोड ऑफ तमाशा. एंड वेन पीपल आस्क मी दिस ऑन इंस्टाग्राम या वो मुझसे लोग जनरली पूछते हैं हाउ इज़ इट गोइंग, इट्स आई रियली वॉन्ट हिम इन साइड. आई रियली वॉन्ट हिम कि वो इस शो को एंड तक जाए, इस शो से इज्जत कमा कर आए. दैट वॉज द मकसद ऑफ हिम गोइंग इन साइड. और बट एक महीना हो गया और हम लोग वैसे ही हमारा काम ऐसा है कि वी आर अपार्ट, कभी इस शहर में कभी उस शहर में. बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी 30 दिन बात ना हुई हो. ऐसा कभी भी नहीं हुआ. तो इट्स हार्ड बट आई एम हैप्पी दैट यू ही इज़ बींग लव्ड बाई सो मैनी. बहुत प्यार मिल रहा है उसको. सो आई होप इट कंटिन्यूज़ एंड ही कम्स आउट एज द विनर. आज मेरे घर में आई गॉट समथिंग रियली स्पेशल. और जब भी जिंदगी में कुछ छोटा छोटा स्पेशल, अच्छा या बुरा दोनों होता है ना, तब आप अपने पार्टनर को सबसे ज़्यादा मिस करते हो. तो मैं बताऊँगी, उसका भी ब्लॉग अपलोड करूँगी कि आज क्या हुआ है. मैं अरसलान को बहुत मिस कर रही हूँ आज. या और फ्रेम्स मैं अंदर भेज चुकी हूँ. होपफुली शायद टीवी पे नज़र आए, वरना अनकट में तो आ जाएंगे. एंड कीप वोटिंग फॉर अरसलान, ही नीड्स योर सपोर्ट. एंड थैंक यू सो मच.